इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमित शाह की रैली का विरोध कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, बस स्टैंड के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। अमित शाह की रैली का विरोध कर रहे थे अशोक तंवर, और विरोध के चलते बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर है, आपको बता दें कि अमित शाह की रैली है, इनेलो भी विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है, काले झंडे लेकर और नारेबाजी कर प्रदर्शन करके विरोध किया जा रहा है अमित शाह की रैली का कांग्रेस और इनेलो की तरफ से। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अमित शाह की रैली का विरोध कर रहे अशोक तंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक तंवर आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं, युवा चेहरा हैं कांग्रेस के, लेकिन कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात की जाए या कुछ और वरिष्ठ नेताओं की, तो आपसी तालमेल इनका कुछ सही नहीं बैठता है। लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबर यह है कि अशोक तंवर को अमित शाह की रैली का विरोध करने के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अशोक तंवर, युवा नेता हैं। आपको बता दें कि अमित शाह की रैली का पहले ही कड़े शब्दों में विरोध किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से, और कड़े शब्दों में विरोध किया जा रहा था इनेलो की तरफ से। इनेलो भी काले झंडे लेकर विरोध कर रही है, कांग्रेस भी विरोध कर रही है। तो अमित शाह की रैली के विरोध के चलते अशोक तंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ ही देर में जींद में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली जा चुकी हैं, कार्यकर्ताओं का आना लगातार शुरू है। हमारे सहयोगी कमल वधावन रैली स्थल के अंदर मौजूद हैं, और हमारे जो संवाददाता गुलशन ग्रोवर हैं वो बाहर हैं। पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं।